हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता शर्मा आज आपको हिंदुस्तानी संगीत वादन, ध्यान में रखिए मैं वादन का सिलेबस बताने जा रही हूँ। वादन जिसका कोड 035 है, क्लास 12th, सेशन 2023 और 2024 का लेटेस्ट सिलेबस आपको बताने वाली हूँ। तो आइए देखिए यूनिट वन में क्या क्या चीज़ें हैं। यूनिट वन में है परिभाषाएँ, ग्राम, मूर्छना, अलंकार, अलाप, तान, गमक, मीन, कर्ण, क्रंतन, जमजमा और घसीट एंड सूत। तो ये सभी परिभाषाएं आ रही हैं। यूनिट टू में आपको रागों के समय सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास ये सभी बताना है। पूरे समय सिद्धांत का जो मैं आपको टॉपिक कराया हुआ है वो पूरा इसमें लिखना है। नेक्स्ट यूनिट थ्री में है आपके ग्रंथ, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, डिटेल में करना है। और इसके अलावा जीवन परिचय एवं संगीत में योगदान आपको करना है इनायत खां, मुश्ताक अली खां और अलाउद्दीन खां। नेक्स्ट है यूनिट फोर में आपको करना है ताले। कौन कौन सी ताले करनी है? झप ताल, रूपक ताल, ये दो ताले हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें करनी है आपको, इनका परिचय, ठह, दुगुन, तिगुन एंड चौगुन इसमें आपको करना है। नेक्स्ट है वाद्य मिलाना। जो भी आपने लिया हुआ है, जैसे आपने अगर सितार लिया हुआ है तो सितार मिलाने की विधि, तबला लिया है तो तबला मिलाने की विधि आपको इसमें करनी होगी। नेक्स्ट यूनिट फाइव में है आपका स्वर समूहों द्वारा राग पहचानना। स्वर ग्रुप दिया होगा और आपको राग पहचानना होगा कि वो कौन सा राग है और उसका 50 स्वरों तक विस्तार करना है। राग हैं आपके सिलेबस में राग भैरव, बागेश्वरी और मालकौस। इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है? रागों का परिचय, तीनों रागों का आपको परिचय करना है। रजाखानी गत तीनों रागों में आपको रजाखानी गत की स्वरलिपि करनी है और उसके साथ तीन ताने और तीन ही तिहाई तानों के साथ करनी है। मतलब तीन आपको नॉर्मल तान करनी है और तीन ताने तिहाई के साथ आपको करनी है। नेक्स्ट है मसीद खानी किसी स्वरलिपि में, मतलब स्वरलिपि आप किसी भी एक राग में कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया होगा। रजा खानी गत में आपको पर्टिकुलर नेम दिया होगा। तो मसीद खानी गत स्वरलिपि में तीन तोड़े व तिहाई के तोड़े के साथ आपको लिखनी है। स्वरलिपि लिखनी है, उसमें तीन तोड़े लिखने हैं और तीन तोड़े तिहाई के साथ आपको लिखने हैं। तो ये हुआ हमारा लेटेस्ट 2023 और 2024 का सिलेबस।